वालेकुम मेरा नाम ख़ालिद सईद है नाजर ने किराम क्या रिवायत ट्रेडिशन, कौमों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है या दिरायत ज़्यादा ज़रूरी है कौमों का इंटेलेक्चुअल लेवल पर ग्रो करना ज़रूरी है या किसी ट्रेडिशन को फॉलो करना ज़रूरी है यकीनन आप ये सोच रहे होंगे कि ट्रडिशन तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बगैर तो रहा ही नहीं जा सकता यकीन एक पहचान होती है ट्रडिशन एक रिवायत इंसान को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी चीज़ नहीं है लेकिन उसके तशखस को बाकी रखने के लिए ज़रूरी चीज़ है दुनिया की जितनी भी महजब और तरक्की तरक् याफ्तमें हैं वो कभी भी अपनी तरक्की में अपने ट्रेडिशन को अपने कल्चर को नहीं आने देते कल्चरल वैल्यूज़ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और हमारी सोशल नॉम्स जो हैं ये तरक्की की राम रुकावटें ना बनें तो ही अच्छा होगा ट्रिशन्स जो होते हैं वो कौमों की पहचान हुआ करते हैं गौर कीजिए कि मगरब ने अपने ट्रेडिशन को दफन कर दिया लेकिन उस ट्रेडिशन को दफन करने के नतीजे में वो पूरी दुनिया पर साइंस का ट्रेडिशन नाफज करने में कामयाब हो गए अब साइंटिफिक जो उनकी रिसर्च हैं उनकी टेक्नोलॉजी है ये एक नया कल्चर बनकर सामने आ रही है एक ऐसा कल्चर डेवलप हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर जिसके अंदर बाकी कल्चर्स की कोई अहमियत नहीं रहेगी वजह यह है कि एक बड़ी ज़हनीत या एक ताकतवर दिमाग जो होता है वो दीगर दिमागों को कर लेता है इतनी बसीदा इतनी पुरानी और दकिया रूसी रवायतें बाज़ात हमारे यहाँ पाई जाती हैं कि उनको सिर्फ इसी वजह से गले लगाया हुआ है कि हमारे पिछले क्या करते थे रिवायत का सबसे बड़ा मसला यह है कि लोग इसके ग़ुलाम बन जाते हैं बगैर सोचे बगैर समझे और उसकी रीज़न को तलाश किए बग़ैर उसे सेलिब्रेट करते रहते हैं फर्ज कीजिए एक शख्स ने अपने पाँव पर एक लाल रंग की पट्टी बांध ली हो शख्स एक ख़ास वाक्य के नतीजे में ये काम करता है अब उसके बाद में आने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी इसी तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं अगर वो कबीले का सरदार है तो उसके मानने वाले उसी को देख देख कर वही काम करेंगे अब बस पाँव पर पट्टी बांधने की वजह अगरचि बाकीय को मालूम नहीं है लेकिन उसे फॉलो करेंगे बिला वजह और क्यों करेंगे अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए कि हमने अपना रिश्ता ताल्लुक मजबूत कर लिया है उस शख्स के साथ जो हमारा सरदार हुआ करता था यही है हमारे यहाँ असल रिवायत का झगड़ा यानी आपने गौर किया होगा तो हमने मज़हब को भी ट्रडिशनलाइज कर दिया है सियासत भी हमारे यहाँ कल्चरल वैल्यूज़ पर होती है आपने देखा होगा कि आपके इर्द गिर्द फैले लोग जब भी आप कुछ नया सोचते होंगे कुछ बेहतर करने की सोचते होंगे लोग कहते नहीं यार ना सोचो क्यों ना सोचो क्योंकि क्यों माहौल उसकी इजाज़त नहीं देता तो आपको लगता होगा कि आप गलत लोगों में बैठे हैं कभी कभी ऐसा हमारे साथ होता है कि हमें लगता है कि हम गलत लोगों में बैठे हैं जब ये आपको रियलाइज हो तो समझ जाएं आप ठीक सोच रहे हैं आप वाकदन गलत लोगों में मौजूद हैं। आपकी थिंकिंग उन लोगों में परवाह नहीं चढ़ सकती आपकी शाखें आपके पर काट दिए जाएंगे अगर आपने उगने की बढ़ने की उड़ने की सोची यही मामला है हमारे यहाँ ट्रेडिशन को इतना लागू इतना नाफिज इतना इंपॉर्टेंट बनाकर रख दिया है कि फिर उसके ख़िलाफ़ अगर एक आवाज़ भी आप उठाते हैं तो उस ट्रडिशनलाइज मैंटेलिटी को लगता है कि आप उसके अकीदे को हर्ट कर रहे हैं आप उसकी इनर पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं अपनी रिवायात का एहतराम ज़रूर करना चाहिए लेकिन रिवायात को पाँव की बड़ी बना कर रखना या अपने गले का पट्टा बना कर रखना या अपनी सोच और फिक्र के ऊपर लगा हुआ एक ताला बना कर रखना बिल्कुल गलत है जब आपकी सोचने समझने की सलाहियत सनब हो जाती है मर जाती है ख़त्म हो जाती है तो फिर आप एक सिर्फ़ फॉलोवर होते हैं उसके अलावा और कुछ नहीं इस सदियों से चले आ रहे सिस्टम को अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो सोचना शुरू करें बहुत बड़े फ़िलासफ़र ने कहा था कि जब आप हायर थिंकिंग पर जाते हैं जब बहुत अच्छा सोचते हैं फिलोसफिकल थाट्स आपके दिमाग में आते हैं तब आप आहिस्ता आहिस्ता अकेले रहना शुरू हो जाते हैं आपको तन्हाई की आदत डालनी चाहिए अगर आपको सच बोलने की आदत है और बाज़ अवत तो हमें मज़हब से भी कुछ दलाल मिल जाते हैं अपनी रवायत को जस्टिफाई करने के लिए इंसान ठहरा अपने अकीदे को अपने नजरिए को अपनी फ़िक्र को जब तक एक मजबी रंगना दे लेगा जब तक उसके साथ कोई और थिंकिंग अलाइन नहीं कर लेगा ताकि उसे जस्टिफाई कर सके तब तक उसे सुकून नहीं मिलता उसे लगता नहीं है कि वो सही कर रहा इसलिए उसे इस तरह की जस्टिफिकेशन चाहिए होती हैं एक थिंकिंग जो आपके अंदर मौजूद है उसे जस्टिफाई करने के लिए आपको दिगर थिंकिंग्स को ला कर उसके पीछे बतौर दलील रखना ज़रूरी लगता है इसलिए लगता है कि आप उसके बगैर चल नहीं सकते ये ट्रडिशन्स अगर आपके सीनों से निकाल लिए जाएं तो आप क्या हैं एक नॉर्मल इंसान ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए ये सोचना कि आप आम इंसान हैं बहुत मुश्किल सा हो जाता है इसलिए पैराडाइम्स बदलिए और गैर जानिदार होकर सोचना शुरू करें कुछ कॉमें कुछ कौमों के ट्रेडिशंस को कल्चर को अडॉप्ट भी कर लेती हैं लेकिन इस वक्त आपको मैं ये बताता चलूँ कि दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा फ्लॉरिशिंग कल्चर है जानते हैं वो क्या है वो है टेक्नोलॉजी का वो है साइंस का इस उभरती हुई नज़रियाती साइंसी आग में बड़े बड़े ट्रेडिशंस जलकर राख हो जाएंगे। वजह सिर्फ ये है कि आज के दौर के पैराडाइम्स डिफरेंट हैं इन्हें पुराने दौर पर कयास करना छोड़ दीजिए जिनकी थिंकिंग लोगों की जहनीतों पर हावी होती है ना उनका कल्चर भी हावी हो जाता है एक बड़ा ट्रेडिशन और एक बड़ा कल्चर जो होता है टैबलिश कल्चर और जिसमें हर वक्त एवाल्व करने की सलाहियत होती है वो ज़िंदा रहता है और बाकी मर जाते हैं या उसके अंदर मुदगम हो जाते हैं आपने गौर किया कि हम एज़ ए मुस्लिम एज ए पाकिस्तानी शलवार कमीज पहनने के आदी होते हैं लेकिन फिर भी हमारे बदनों पर अंग्रेज़ी लिबास नज़र आता है वजह ये नहीं है कि हम अंग्रेज़ों से मुतासर होकर पहन रहे हैं वजह यह है कि उनके कल्चर ने दुनिया को इतना मुतासर कर दिया है ज़हनी तौर पर और इतने बड़े लेवल पर लोगों की मेमोरी के साथ लोगों के माइंड के साथ खेल चुके हैं क्या ऑटोमेटिकली लोग उसी पैटर्न पर चलना पसंद करते हैं जिस पैटर्न पर अंग्रेज़ साहब चल रहे हैं आज आपको आपकी ज़हनीत आपके कल्चर और आपके ट्रेडिशन के ख़िलाफ़ कर सकते हैं अगर वो कहें कि ये यह कमीज पहनना बहुत बुरी बात है पंजाबी बोलना बहुत बुरी बात है आप सर पर परिमामा रखना बहुत बुरी बात है ये सारी चीज़ें जब हम सुनते हैं तो हमें वाक़ता बुरा लगने लगता है इस वक्त पाकिस्तानी कौम को थिंकिंग का ट्रेडिशन लागू करने की ज़रूरत है ऐसा कल्चर डेवलप करने की ज़रूरत है जिसमें लोग सोच सकें ऐसी फजा क़ायम करने की ज़रूरत है जिसमें थिंकर्स पैदा हों सोचने वाले फ़लासफ़र्स और लॉजिशियंस पैदा हों दानश्वर पैदा हों जो पूरी कौम को पूरी मिलत को राह दे सकें ऐसे लोग तो नापैद नज़र आते हैं